तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो मेंसुरेशन से लिए गए हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये उन्होंने दिया है, इफ ए डिनोट द वॉल्यूम ऑफ इस राइट सर्कुलर सिलेंडर। ए जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है और सिलेंडर में क्या दिया है कि सेम हाइट है एज इट्स डायमीटर। तो एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डायमीटर और हाइट दोनों सेम है। तो अगर ये एच है हाइट और डायमीटर डी है, तो मान लिया इसकी रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो गया, तो हाइट भी इसकी यहाँ पर 2r के इक्वल हो। उसके बाद इन्होंने बी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो जितने सिलेंडर की रेडियस है उतनी ही रेडियस स्फीयर की दी हुई है इन्होंने। स्फीयर की रेडियस आर ले ली हमने यहाँ पे और दोनों के वॉल्यूम में इन्होंने रिलेशन फाइंड कराया कि ए अपॉन बी कितना होगा। तो अगर ए वॉल्यूम है सिलेंडर का तो ये पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और हाइट सिलेंडर की उसके डायमीटर के इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया 2πr³। तो ये तो वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम बी है तो ये वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अब यहाँ पर a अपॉन बी फाइंड करना है तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 2πr³/4/3πr³। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा 6/4 या कह सकते हैं 3/2। तो a अपॉन बी की जो वैल्यू आती है वो 3/2 आती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक बकेट दी हुई है, हाइट दी हुई है बकेट की 7 सेंटीमीटर और अपर और लोअर उन्होंने डायमीटर दिए हैं। तो अपर डायमीटर 24 है, लोअर डायमीटर 12 है। तो अपर रेडियस 12 होगी और लोअर रेडियस 6 होगी ये इसकी। अब इन्होंने इसका वॉल्यूम पता कराया है बकेट का। तो बकेट का वॉल्यूम इस तरह का, ये एक फ्रस्टम बन जाता है और इसका वॉल्यूम होगा 1/3πr² + r² + r1 r2 × h, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो 1/3 × 22/7 और रेडियस 12² + 6² + 12 × 6, ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हाइट 7 है यहाँ पर इसकी और इसका जो वॉल्यूम आएगा सॉल्व होने के बाद ये कैलकुलेट हो जाएगा तो ये 1848 ये वैल्यू आएगी इसकी बकेट की। इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा बकेट का। तो इसमें 1848 इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर/आवर। वाटर जो फ्लो हो रहा है वो एक घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि एक घंटे में सपोज वाटर यहाँ से यहाँ चला गया इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे चला गया एक घंटे में कोई वाटर का मॉलिक्यूल, तो उसने कितनी लेंथ कवर की, 5 किलोमीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि और डायमेंशन हमें सेंटीमीटर वगैरह में मीटर में ये हैं। तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5×10⁵ सेंटीमीटर। तो ये लेंथ होगी टोटल जो एक घंटे में पानी की लेंथ होगी है, जो एक घंटे में पानी यहाँ से यहाँ इस उसमें कंटेनर में चला जाएगा। तो जितना इन्होंने स्पीड दी हुई होती है उतना ही टाइम ले लेते हैं। तो एक घंटे की बात कर रहे हैं 5 किलोमीटर/आवर, तो एक घंटे की हम बात करेंगे फिर इसमें 1 आवर की। अब इन्होंने इसका पाइप का जो डायमीटर दिया है वो 14 है, 14 डायमीटर है तो इसकी रेडियस यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो एक घंटे में हम पता करेंगे कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना है जो इस बकेट में चला गया या इस कंटेनर में या जो इन्होंने टैंक दिया है, और टैंक की भी इन्होंने डायमेंशन दे रखी है L×B×H से हम इसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे अभी। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं वाटर का जो एक घंटे में टैंक में चला गया है।
तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम के ही निकलेगा उसके लिए भी, तो पाई आर स्क्वायर, तो सेवन स्क्वायर इंटू एच, तो एच का मतलब इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे यहाँ पर, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, या कह सकते हैं कि वाटर का वॉल्यूम है जो इस टैंक में चला गया है। अब ये टैंक कितना फिल हुआ है इस पानी से, और इन्होंने बताया इसकी लेंथ विड्थ और हाइट सभी दी हुई है। टैंक की लेंथ जो है वो 50 मीटर है, तो 50 × 100 इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। विड्थ भी यहाँ पे सेंटीमीटर में हो जाएगी, 44 × 100, जो वाटर लेवल राइज किया है वह 3.5। अब ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर टोटल, तो ये एक घंटे में पानी का वॉल्यूम है जो इसने टैंक को यहाँ तक फिल किया है पूरा। इसमें हमें पता करना है कि जो 3.5 सेंटीमीटर वाटर लेवल राइज हुआ है टैंक में, उसमें कितना टाइम लगा। तो सीधा सीधा टैंक का जो वॉल्यूम है उससे वाटर के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो यहाँ से हमें टाइम पता लग जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे पाई की, तो 22/7 इंटू 7² इंटू 5 × 10⁵। नीचे वॉल्यूम आ जाएगा टैंक का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 7 यहाँ से चला गया। अब यहाँ 10⁵ है जो इन 5 जीरो से कैंसिल हो गई, फिर ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 22 से ये 44 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 7 और नीचे 3.5 × 2 7, तो ये 1 आर आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब इस 3.5 सेंटीमीटर हाइट राइज होने में एक घंटा लगता है। तो 161 में हम फर्स्ट जो है इसको राइट टिक करेंगे। 162 में सर्कुलर आयरन रोड दी हुई है दो, और इन्होंने कहा है कि एक आयरन रोड की रेडियस हम 1/4 डिक्रीज कर देते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। एक आयरन रोड मान लिया यहाँ पे, और इसकी जो लेंथ है उसको एल ले लेते हैं और इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा V1 = π r² इंटू इसकी लेंथ। अब दूसरी जो रोड है उसकी रेडियस पहले से 1/4 हो जाती है, तो लेंथ इन चेंज होगी इसकी, एल डैश हो जाएगी। अब इसका वॉल्यूम V2 = π रेडियस r/4² इंटू एल डैश। इन्होंने कहा ये जो दोनों वॉल्यूम है वो दोनों सेम है, तो इसलिए जब वॉल्यूम इक्वल हैं तो π r² L = π × r² / 16 × l-, तो ये कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज, और l-= 16l के इक्वल आ जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन इनका सही है, 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। 163, इन्होंने ABCD दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, और उसकी डायमेंशन दी है 12 और 5, तो ये 5 है और ये इसकी जो लेंथ है ये 12, और इसके बाहर एक सर्कल इन्होंने जो है सर्कमस्क्राइब्ड किया हुआ है रेक्टेंगल के, और इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है ये सारा का सारा। तो शेडेड रीजन का एरिया बताने के लिए हमें सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना होगा, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन है हमारे पास, लेकिन सर्कल की डायमेंशन के लिए हमें इसका डायमीटर चाहिए, तो सर्कल का जो डायमीटर है जो AC = हो जाएगा हमारे पास 12² + 5² का अंडर रूट, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर, तो इसलिए इसका हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। और ये 169, तो ये आ गया 13 AC, तो इससे हमारे पास रेडियस आ जाएगी 13/2, तो ये सर्कल की रेडियस है। अब हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, तो सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे π r² - एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो L × b 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर माइनस लेंथ और विड्थ 12 × 5, तो ये सब कैलकुलेट होने के बाद 72.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका
शेडेड रीजन का एरिया आएगा। तो इसमें सेकंड हमारा ऑप्शन राइट है 163 में। राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है एक, और सर्कमस्क्राइब्स ए स्फीयर, तो यानी कि स्फीयर के चारों तरफ एक सिलेंडर है, या कह सकते हैं कि एक सिलेंडर में एक स्फीयर रखी हुई है। और रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ स्फीयर, यानी कि इसमें जो स्फीयर है वो ऐसे इसमें रखी हुई है सिलेंडर में, तो जब सिलेंडर में ये स्फीयर रखी होगी इस तरह से, सिलेंडर की जो रेडियस होगी वही रेडियस स्फीयर की भी होगी। स्फीयर की जो हाइट होगी वो रेडियस का 2 times होगी, डायमीटर के इक्वल होगी, इसलिए सिलेंडर की हाइट भी 2r के इक्वल होगी। तो अब हमारे पास सिलेंडर की हाइट भी है, सिलेंडर का रेडियस है, और स्फीयर की भी रेडियस है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है सिलेंडर की, डायमीटर के इक्वल। तो ये हो जाता है हमारे पास 2πr³, ये वॉल्यूम है सिलेंडर का। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे 2πr³/4/3πr³ कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये 6/4, ये भी 3/2 आ गया यहाँ पर, तो दोनों के वॉल्यूम में रेशियो 3:2 हो गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड, वो राइट ऑप्शन है यहाँ पर। ये मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।